उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी संग्राम अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। अंत भला तो सब भला की राह पर चलते हुए राजनीतिक दलों के दिग्गज पूर्वांचल के मैदान में उतर पड़े हैं। आज छठे चरण के मतदान के बीच सातवें चरण के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ सीएम योगी ने अंतिम चरण में बीजेपी की गाड़ी को क्रॉसिंग लाइन तक पहुँचाने के लिए एक्सीलेटर को पूरी ताकत से दबा दिया है और जौनपुर से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने चित परिचित अंदाज में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। पीएम ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां यूपी और देश का विकास कभी नहीं कर सकती। इन घोर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, इन घोर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये घोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया और आज यूपी एकजुट एक मत खड़ा हो गया है। वहीं पीएम मोदी ने माफियावाद पर विपक्ष को घेरते हुए इस चुनाव में विपक्ष पर माफिया और गुंडों को टिकट देने का आरोप लगा दिया। इन माफियावादियों की नियत क्या रही है ये जौनपुर के लोग अच्छी तरह जानते हैं। याद करिए दोस्तों, बदेठी गांव में जिन लोगों पर दलित परिवारों के घर जलाने के आरोप है, उनको ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। पीएम मोदी के साथ साथ मंच से सीएम योगी ने देश में जारी वैक्सीनेशन अभियान की तारीफ करते हुए अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अगर गलती से इस समय सपा बसपा की सरकार होती तो ये लोग वैक्सीन ही बेच देते। वैक्सीन का ही प्रभाव है कि थर्ड वेव कब आई कब गई कोई पता नहीं, हर व्यक्ति सुरक्षित है। और याद करिए, आज ये वैक्सीन आपको फ्री में मिली है। सपा बसपा की सरकार होती इस वैक्सीन को भी वे लोग बाजार में ब्लैक करने का कार्य कर लेते, वैसे ही जैसे इनके समय में बड़े बड़े खाद्यान्न घोटाला हुआ करते थे। गरीबों को राशन नहीं मिलता था। आज तो डबल इंजन की सरकार के समय उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। गुरुवार को छठे चरण के मतदान के बाद बीजेपी के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों ने सातवें चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में अपनी ताकत झोंक दी है। अब देखना ये होगा कि आखिरी चरण की जोर आजमाइश किस पार्टी की तरफ जीत के तराजू को झुकाती है। आई एम रिपोर्ट।